हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमूस किचन, यानी कि अमरिन के किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप दही ले रही हूँ। फिर उसमें मैं 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ मतलब भुना हुआ बेसन ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 2.5 टेबलस्पून, जो बड़ी चम्मच होती है घर में, उससे 2 और आधा चम्मच में ले रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून छोटी चम्मच जो होती है उससे मैं लाल मिर्च पाउडर लूँगी। फिर उसी मात्रा में मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ। एंड देन उसी मात्रा में मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। फिर जो सॉल्ट है वो अपना टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपको भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला में जो है जो रियल फ्लेवर होता है वो मस्टर्ड ऑयल से ही आता है, सरसों के तेल से। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी सरसों का तेल ही यहाँ पे ऐड करें। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें रेस्टोरेंट जैसा कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या फिर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है उसमें अब हम चिकन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 350 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप विदाउट बोन या फिर विद बोन, दोनों तरह की चिकन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से कोट कर ले हमारे चिकन को। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए इसे रेस्ट करने दें, ताकि जितना भी मसाला है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। मैं यहाँ पे ओवरनाइट के लिए इसे मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे चिकन को पैन फ्राई करेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल से जो है इंडियन फूड में काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आता है। और अब हम चिकन के पीसेस को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे और इसे दोनों तरफ से कुक करेंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर में ना हो जाए। चिकन जो है हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। तो अब हम चिकन को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। चिकन जो है अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे कढ़ाई से रिमूव कर लूँगी। और उसी कढ़ाई में मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऐड करके उसमें ज़ीरा डालूँगी। मैं यहाँ पे वही सेम कढ़ाई इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चिकन का जितना भी फ्लेवर और जितना भी फैट है वो इसी कढ़ाई में है, और मैं इसी फ्लेवर को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं वही कढ़ाई को अगेन यूज़ कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च ऐड करूंगी। अनियन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जीएनजी पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जिंजर एंड गार्लिक का जो रॉ फ्लेवर है वो ना हट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पे सूखा मसाला ऐड करने वाले हैं और सूखा मसाला ऐड करने से पहले ज़रा पानी ज़रूर डाल दिए ताकि जो मसाला है हमारा सूखा मसाला वो जले ना। अब हम यहाँ पे सूखा मसाला ऐड करेंगे जो कि है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा और गोल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/3 चम्मच गरम मसाला और उसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ आप मसाला जो है वो ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम में भी मसाला ऐड किया हुआ था और जो चिकन है वो इसी में ऐड होने वाला है, तो वो ज़्यादा ना हो जाए उसे ध्यान में रखते हुए आप मसाला और नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है, तो मैं अब यहाँ पे 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और जो पानी है वो हमारा जो मैरिनेशन में जितना भी मसाला बचा हुआ था उसे में मैं पानी ऐड करके इसमें डाली हूँ। अगर आप चाहे तो नहीं सिंपल पानी डाल सकते हैं, तो मैं वहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहती थी वो मसाला, इसलिए मैंने उसी में पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। और जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, हमारा जो मसाला है अच्छे से बॉयल हो जाए, तो हम यहाँ पर चिकन को यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। लास्ट में हम यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी अगर ना हो तो आप धनिया पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है और आप इसे रोटी, चपाती या फिर नान के साथ सर्व करें, ये काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।